स्टूडेंट सेटलिंग एस्टेट 2021 में ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्पटन इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 108। एक्सरे, यू नो एक्सरे इज एटॉमिक ट्रांजिशन। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 20 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर ऑल ऑफ यू नो 10^-12 मीटर। Are Compton scattered from a carbon target and the scattered rays are detected at 90 degree. Yani angle of scattering is given to me 90 degree to the incident beam. Question is what percentage of initial X-ray photon energy is delivered to an electron in such scattering? You know electron is इन दिस केस कॉम्पटन स्कैटरिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और एक्सरे आप जानते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। और हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एक्सरे फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज ई जीरो, यानी दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल। अभी मैं बताऊंगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। एच न्यू क्या? इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की एनर्जी। और जब एक्सरे फोटोन ने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी, तो वो एक्सरे फोटोन स्कैटर हो गया, और उसके पास कितनी एनर्जी बची? एच न्यू डैश। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। न्यू डैश इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन। एच यू नो प्लैंक कॉन्स्टेंट, यूनिट इज जूल सेकेंड। और ये फॉर्मूला प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पॉपुलर फॉर्मूला हम ये डिराइव करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई जीरो इज इक्वल टू, एक बार मैं रीड कर देता हूं, अपस्टेयर और डाउनस्टेयर में। अपस्टेयर में एच न्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू अल्फा, और डाउनस्टेयर में 1 प्लस अल्फा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अल्फा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे में प्लस 1 भी आएगा और इसमें साथ में एच न्यू आएगा। थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। What is alpha? Where alpha is unitless and dimensionless, alpha does not have any dimensional formula. Alpha is ratio of two similar quantity. Upar hai incident X-ray photon ki energy, niche m0 little c square. M0 is rest mass of electron. M0 little c square is rest mass energy of electron. Hum sab jante hain rest mass of electron is 9.1 × 10^-31 kg. और अगर उस रेस्ट मास को लिटिल सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रेस्ट मास एनर्जी बन जाता है। और ये सारी चीजें आपको पहले से याद होनी चाहिए, वहां इतना टाइम नहीं होता। गुड स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर्स प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या 0.510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सबसे ज्यादा रेस्ट मास एनर्जी न्यूट्रॉन की होती है, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की। तीन पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा मास होता है, उससे कम प्रोटॉन का, उस सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा 20 पिकोमीटर, पिकोमीटर 10^-12 मीटर। सिंप्लीफिकेशन 10^-11 मीटर को 10^-1 इंटू 10^-10 मीटर, 10^-10 मीटर यू नो एंगस्ट्रॉम, यानी 0.2 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू। दिस फॉर्मूला इज नॉन टू, क्योंकि एनर्जी एच न्यू होता है, फोटोन इज बोसोन, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, एच सी बाई लैम्डा। वो वैल्यू की बजाय ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, जब भी लैम्डा एंगस्ट्रॉम ही हो तो एनर्जी सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, लेकिन ऊपर 12,400 आएगा। अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो ऊपर आएगा 1240। 1240 है तो नीचे लैम्डा नैनोमीटर में है, 12,400 है तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, लेकिन एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधा आ जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है। तो अपनी कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप रिटेन करो मेमोरी में। इसके फॉर्मूले के बिना मोक्ष नहीं है। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 0.2 है,
सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू सी द आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अल्फा इज एच न्यू ओवर एम जीरो लीटर सी स्क्वायर. एच न्यू कितना है 62 किलो इलेक्ट्रॉन. और भी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी शुड ऑलवेज बी इन योर मेमोरी 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये अल्फा यूनिट लेस आ गया 0.125. He has asked me what percentage of initial X-ray photon energy is transferred to electron. So E0 is energy of recoil electron. Percentage measure total के with respect to होता है. Incident शुरू में जो X-ray photon था, आप जानते हैं quantum scattering में X-ray photon आता है, free electron होता है, ये h nu होता है, और ये rest पे होता है, free electron होता है. ये अपनी एनर्जी इसको कुछ ट्रांसफर करता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होता तो इस फोटोन ने सीधा जाना था. इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गया और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया. ऐसे करते थे ना. और स्कैटरिंग एंगल मैंने थीटा से डिनोट किया, सिंबल अपने अपने हो सकते हैं. और फाई जो रिकॉइल एंगल, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है, इस डायरेक्शन में एक्सरे फोटोन स्कैटर होता है. ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन और ये स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, जाहिर सी बात है इसने एनर्जी इसको कुछ दे दी तो ये तो कम ही हुआ ना. तो इसको कितनी एनर्जी मिली इन दोनों का डिफरेंस. और वो डेरिवेशन करने के बाद ये थीटा अब 90 रखेंगे क्योंकि दिया हुआ है साइन 91 हो जाएगा. तो ये एच न्यू इंटू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये 90/2, तो ये साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा. ध्यान दे प्लीज, थीटा इज 90 बाई 2, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2 से 2 से 2 कैंसिल अल्फा. यहां पे भी साइन स्क्वायर 90/2, साइन स्क्वायर 45, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस अल्फा. कहने का मतलब जब भी थीटा 90 होता है तो इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है. ये मैंने अभी आपको जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड. और ई जीरो डिवाइडेड बाई एच न्यू मेरे को निकालने, ई जीरो डिवाइडेड बाई एच न्यू. तो ई जीरो डिवाइडेड बाई एच न्यू इस फॉर्मूले से क्या है, अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा. अल्फा इज नोन टू मी 0.121, 1 प्लस अल्फा में ये ऐड हो गया. परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.7% थर्ड. मैं मानता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस फॉर्मूले को तो आपको याद करना पड़ेगा. देयर इज नो वे आउट, यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी आई थिंक 2020 में ये इसी प्रकार का ही क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट में था. कॉम्पटन इफेक्ट पे हर बार न्यूमेरिकल आता है, प्लीज रिमेंबर. सेकेंड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक रिलेटिव विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. 10+2 इंटरमीडिएट क्लास में हम ईएम वेव चैप्टर पढ़ाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएम वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाई दिस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड, ये साइन के आप जानते हैं, वेव प्रोपेगेशन फैक्टर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, वेव प्रोपेगेशन फैक्टर या वेव प्रोपेगेशन फैक्टर या वेव वेक्टर के होता है. और ये हमें चार ऑप्शन दी हुई है. देयर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल बी, हम जानते हैं प्लस टू में हम ये रिलेशन प्रूव करते थे, लिटिल सी इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइडेड बाई बी जीरो. ई जीरो इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जीरो इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बी जीरो इज ई जीरो लिटिल सी. एक होता है डीओपी. ध्यान दें वेव की इक्वेशन में जेड भी होगा टी भी होगा. वेव की इक्वेशन में खाली टी नहीं होता, वेव की इक्वेशन में खाली जेड नहीं होता. वेव की इक्वेशन में जेड की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, टी भी होगा. वेव की इक्वेशन में जेड के साथ के होगा, टी के साथ ओमेगा होगा. ओमेगा के पास टाइमिंग इंफॉर्मेशन होता है, के पास स्पेशियल इंफॉर्मेशन होता है. स्पेशियल इंफॉर्मेशन इज कैरिड विद के, टाइमिंग इंफॉर्मेशन इज कैरिड विद ओमेगा. एंड यू नो वेरी वेल ओमेगा डिवाइडेड बाई के इज वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी. एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा जो के साथ होगा. अगर के साथ एक्स होता है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस होता, लेकिन के साथ एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड है. इसका आई कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग जेड एक्सिस. आई मीन टू से यू नो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं दैट इज के. सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू के साथ जेड है, तो ये के कैप आएगा। के कैप इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस बोलते हो, और जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट हो वहां राइट हैंड थंब रूल लगता है, या फिर ये वेक्टर ट्रायड यूज करिए। प्लीज एक सर्कल में आइए, एंटी क्लॉकवाइज में आई कैप जे कैप के कैप लिख दीजिए, आई कैप जे कैप के कैप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे तो इसको तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, लेकिन क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, ये देखो क्लॉकवाइज। सो ई वेक्टर, किसी भी वेक्टर की दो चीजें होती है, वैल्यू होती है डायरेक्शन होती है। वैल्यू तो ये है और ये रिप्रेजेंटेशन है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी वेव होता है तो उसमें फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉर्मल टू इच अदर, परपेंडिकुलर टू इच अदर, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज एन कैप, एन कैप इज एन कैप विल टेल यू डीओपी, एन कैप विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन विच आई जस्ट टोल्ड यू के साथ जो है ये जेड यानी के कैप, और ई वेक्टर, ई वेक्टर का डायरेक्शन इज जे कैप। अब मुझे बी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, इस वेक्टर ट्रायड से मुझे ये पता चल गया कि राइट साइड में के कैप आ रहा है, और मैं जे कैप को कौन सी चीज के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं कि वो के कैप आ जाए, नेचुरली मैं अगर आई कैप लिखता हूं तो गलत हो जाएगा क्योंकि जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप, लेकिन राइट साइड में तो प्लस के कैप, तो आई हैव टू हैव हियर माइनस आई कैप, तो इसका मतलब माइनस आई कैप इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस वेव में जहां पे वेव वर्ड आ जाए वो ऑसिलेटिंग होता है, आप जानते हैं साइन फंक्शन इज ऑसिलेटिंग, कॉस फंक्शन इज ऑसिलेटिंग, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो साइन से रिप्रेजेंट हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, माइनस आई कैप इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जे कैप इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के कैप इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। So thank you so much.